मेरे पीछे आ रखे हैं बहुत जबरदस्त जो कि ड्राइव करने वाले हैं। बहुत ही इस रेस में मजा आने वाला है, तो आप इंजॉय करने जरूर आएंगे। ऐसा सर्किट आपने देखा है कि पटना में जो कि यहाँ नवदपुर में खुला है, अभी लेटेस्ट खुला है, 500 रुपए में और 20 मिनट के लिए आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। अरे रेसिंग स्टार्ट होगी और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सबका हमारे आज का न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे घिरनी और ये नवदपुर में है, तो आ जाइए हमारे साथ अंदर और घिरनी घूम के आते हैं। आपको लेना पड़ेगा टिकट, तो देखिए हमने 50 के 2 टिकट लिए हैं। तो आइए घिरनी में दिखाते हैं कि सबसे मेन फोकस यहाँ पे कौन सा गेम पे हो रहा है। तो देखिए वहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी है। इसकी अलग अलग प्राइजेस है, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे मैक्सिमम इसका टिकट 500 रुपीज का है। सर आप तो इसको नहीं जा पाओगे, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन आप देखो दूर से क्या इंजॉय कर सकता है, सर देख रहा है बड़े बड़े गन शूटिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अगर आपको वो पसंद है तो आप वो गेम भी यहाँ पे खेल सकते हैं। आइए पता करते हैं यहाँ का टिकट प्राइस क्या है। 7 शॉट का 50 रुपया है और 15 शॉट का 100 रुपया है। और यहाँ पे एरो वाला भी है क्या? हाँ, ये मजेदार चीजों के लिए आपको यहाँ पे एंजॉय करने आना होगा। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई है। चलिए मेरे सामने फूड कोर्ट है, तो चलिए एक बार देखते हैं फूड कोर्ट कैसा। ये फूड कोर्ट में क्या क्या है? यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, ऊपर भी है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि छोटे से गांव में मतलब इतना कुछ, इतना एक्सटेंसिव चीजें आपको देखने को, इतने अच्छे अच्छे गेम्स आपको देखने और खेलने के लिए मिल जाएगा जो कि अभी घिरनी में आपको मिलेगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और यहाँ पे गेम खिलाते हैं हम। कौन सा टिकट कितना पड़ेगा? कोई भी सिस्टम पे खेल सकते हैं। 10 मिनट के लिए 100 रुपए लगेगा और 30 मिनट के लिए 250। का फेवरेट सेक्शन। यस, ये सब घूमते हुए निकल गया। बहुत बढ़िया बस चला रहा है, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। खाने के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। डर बहुत डर रहा है, ये देखिए डरते हुए आ रहा है। मुझे लग रहा था कि शेर होगा लेकिन तो डरपोक निकला, टूटेगा नहीं पर फिर भी डर रहा है। मेरे सामने में बाजार लगा हुआ है, ये देखे ये बाजार है और ये बच्चों के लिए जंपिंग के लिए है। ये कौन सा बाजार है? लड़ाई वाला बाजार है क्या? और ये जो एरिया है ये बाजार के ठीक सामने, ये वाटर जॉर्ब के नाम से एरिया है। ये देखिए ये है वो इवेंट, उसके अंदर बैठिए और वहाँ यहाँ से गिराएंगे आपको, वो सीधे चले जाएगा वहाँ। क्या लगता था, ऐसा उम्मीद था कि मतलब मैंने तो वाकई मैंने ऐसा उम्मीद नहीं कर रखा था कि इतने कुछ गेम, इतने सारे गेम्स आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। और वो भी मतलब इस मतलब ये पटना से बहुत दूर है, मेनली ये पटना से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर है, नवदपुर एरिया है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था वो यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अभी तो थोड़ी सी शाम होने दीजिए, फिर दिखाते हैं यहाँ की लाइटिंग चकाचक हो जाती है। यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मजेदार लाइटिंग लगी है यहाँ पे और हर तरीके के लाइटिंग लगी हुई है, हर एक पेड़ को सजाया गया है। यहाँ का लाइटिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पेड़ों पे घोंसले लगाए गए हैं, उसके नीचे लाइटिंग की गई है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कलरफुल लाइटिंग है ना, वो बहुत ही मस्त लाइट आ रही है।